हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप तुम सब अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो। और ये बताओ यार, तुमने कल का व्लॉग देखा कि नहीं देखा? नहीं और जो मैं फील कराना चाहता था अपना डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए या फिर अपना डिसिप्लिन ढूंढने के लिए, वो तुम ढूंढ पाए या फिर फॉलो कर रहे हो कि नहीं? नहीं अरे मेरे को तो यार आजकल ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब जो स्टार्टिंग में जो मैं मोटिवेशन के साथ अपना डिसिप्लिन फॉलो करता था वो अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी लेवल गिरी हुई है मेरी। मे भी मेरे साथ ये दिक्कत पहले से ही रही है कि जब भी मैं थोड़ा बहुत एस्केपिज्म में चला जाता हूँ तो उसके बाद मेरे को वापस अपने डिसिप्लिन में मोमेंटम गेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और उससे भी इंपॉर्टेंट यार, मेरे को पता नहीं सुबह सुबह उठ के लोग व्लॉगिंग कैसे कर लेते हैं यार। मतलब एक तो मेरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फेस है, तुम लोग ने भी अगर नोटिस करा होगा ना, तो जो मैं शाम के टाइम पे जो व्लॉग्स होते हैं मेरे, जो मैं तब रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तब उसमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ यार। पर जो सुबह के जो व्लॉग्स होते हैं उसमें एकदम मेरा स्ट्रेट फेस रहता है, ऐसे फेक स्माइल सी दिख रही होगी, ऐसा सब कुछ होता है। ठीक है, सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीख जाऊँ शायद। तुमसे ना हो पाएगा। और कल रात को ही मैंने अपने शेड्यूल में टाइम असाइन कर दिया था, तो रात को ही टाइम असाइन करने से ये फायदा हुआ है कि मेरे को मालूम है कि मेरे को कितने बजे से मेरा डिसिप्लिन फॉलो करना है। क्योंकि अभी तक होता क्या आ रहा था कि मैं जब चाहे तब अपने डिसिप्लिन स्टार्ट करा करता था, जो कि बहुत लेट हुआ करता था, और उसके बाद मेरे को रियलाइज होता था कि यार कहीं ना कहीं मेरे को एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। पर अब मैं जानता हूँ कि मेरे को कब से स्टार्ट करना है और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अब जल्दी से जल्दी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो पहले मैंने अपना लंच कर लिया और मैंने उसके बाद अपना व्लॉग अपलोड करा। थंबनेल वगैरह क्रिएट करनी पड़ती है, बहुत झंझट होती है व्लॉग अपलोड करने के लिए यार। वो करने के बाद अब मैं बैठ रहा हूँ अपनी बुक पढ़ने, क्योंकि यार अभी मैं जस्ट खाना खाया हूँ तो मैं वर्कआउट तो अभी कर नहीं पाऊंगा। तो मैं वर्कआउट और मेडिटेशन साथ में करूँगा और वो मैं करूँगा बुक पढ़ने के बाद। तो अभी हो रहा है 3:30, अपन पढ़ेंगे 4:30 तक ये बुक। और अगर तुम लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स देखे हैं तो तुमको मालूम होगा कि मैंने एक एसटीपी मॉडल के बारे में बताया था। तो वो पता, वो एसटीपी का एसटी इस चैप्टर में और पूरा पी इस चैप्टर में। तो मे भी हो सकता है कि पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, तो इसलिए इनने शायद अलग ही पूरा चैप्टर बना दिया पोजीशनिंग के ऊपर। तो 4:30 बज चुके हैं और अपनी पढ़ाई हो गई है पूरी। और आज इस बुक में मैंने ये सीखा है कि एक मार्केट चूज़ कर लेने के बाद तुम्हें उस मार्केट में पोजीशन करना पड़ता है, और पोजीशन तुम अपने कॉम्पिटिटर से सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च करके नहीं हो सकते यार। तुम्हारे बिजनेस में कुछ ना कुछ यूनिक होना जरूरी होता है, जिसे तुम्हारे बिजनेस की यूएसपी भी बोलते हैं या फिर तुम उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बोल सकते हो अपने बिजनेस का। नहा धो लिया मस्त प्रॉपर तरीके से, और अब बस थोड़ी देर मेडिटेट करके डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ेंगे। और आज 2 घंटे तो कम से कम पढ़ना है मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि मैं बहुत पीछे हूँ यार डिजिटल मार्केटिंग। मतलब वीक 5 स्टार्ट हो चुका है और मैं 4th वीक अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं बहुत पीछे हूँ अभी डिजिटल मार्केटिंग में। कुछ ज़्यादा देर कर लिया मैंने मेडिटेशन, अब जल्दी से जल्दी स्टार्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का पढ़ना। अभी ऑलमोस्ट शाम के 6:10 बज रहे हैं, तो कुछ भी हो जाए मैं 8 बजे तक पढ़ने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग। और ये जो वीडियो है इसको पूरा खत्म करना है, और जो वीडियो थी वो भी खत्म हो चुकी है मेरी। और आज इसमें मैंने सीखा है कि खुद की वेबसाइट या फिर ब्लॉग कैसे बनाते हैं। लाइक मैंने सीखा तो बहुत बार है पर मैंने कभी तक अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। पर इस बार कुछ भी हो जाए मेरे को अपनी वेबसाइट बनानी ही है, और मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो मैं अभी 8:30 तक का ब्रेक लूंगा और उसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं अपना स्टार्टअप का पढ़ना। मतलब हो गया आज 9 बज गया, जब में भी भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ब्रेक थोड़ा सा शायद ज़्यादा लंबा चल गया है, क्योंकि यार एक टेक्निकल दिक्कत आ रही है मेरे लैपटॉप में। पता नहीं, मैं कोई भी एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ तो स्क्रीन फ्लिकर हो रही है अपने आप। और जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैंने जितने भी 2021 के यूनिकॉर्न बिजनेसेस रहे हैं उनके बारे में मैंने स्टडी करी है कुछ आखिरी के दिनों में, और कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करी है मैंने उसमें। एक तो मैंने बता ही दिया था तब कि या तो इनका फाउंडर ITIM से है, दूसरा ये है कि या तो इन्होंने ऐप बिल्ड करा है या फिर SaaS बिल्ड करा है। SaaS मतलब कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और इन लोग जो भी अपना मार्केट चूज करते हैं वो बहुत बड़ा होता है, या तो इंश्योरेंस होता है, या तो बैंकिंग होता है, या तो स्टॉक मार्केट होता है। तो इतने टाइम से मैं जो यूनिकॉर्न बिजनेसेस के बारे में पढ़ रहा था, तो अब जाके मेरे को उस चीज का फायदा मिला है, रिजल्ट मिला है। हमें कोई बात समझ में आई है कि ऐप डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, अगर तुम्हें एक अच्छा खासा बिजनेस करना है तो। और पता है जब अपन खुद से ये बातें समझते हैं ना, तो इस बातों की अंडरस्टैंडिंग और इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आती है। अगर मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊं तो, जैसे कि मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ,
कि ऐप डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारी इस बात पर अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। पर जैसे मैंने डिस्कवर करा है, इतने सारे केस स्टडीज पढ़ी, फिर उनमें से एक सिमिलैरिटी निकाली, तब जाके मेरे को समझ में आया कि ऐप डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जो मेरे को इंपॉर्टेंट समझ में आई है ना ऐप डेवलपमेंट को लेके, वो बहुत ज्यादा है। और ये कुछ वीडियो की सीरीज है जो कि बनाई है Y Combinator ने, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप एक्सेलरेटर है। और ये अगर कोई कंटेंट मेरे को फ्री में दे रहे हैं तो मैं क्यों ना पढूं। मैं मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स को एक सबसे कम एनर्जी मिलती है मेरे दिन की, इतने बजे तक तो यार मैं एकदम एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, और फिर एक और ऐसा लगता है कि एक और टास्क बाकी अभी तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना। पर क्या कर सकते हैं, करना है तो करना है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करूँगा, फिर वीडियो एडिटिंग करूँगा, फिर सो जाऊँगा। ये क्या यूडेमी वालों ने पूरा पर्पल कर दिया अपना लोगो भी और पूरे वेबसाइट की थीम। सही तो था यार पहले भी, हो गया मेरे को तो पढ़ने से मतलब। अब तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने अभी अभी करी है। तो ये जो पेड है वो इतना हरा भरा नहीं हुआ करता था, इसको मैंने अभी अभी करा है। ये पहले कुछ ऐसा दिखता था, देख रहे हो, ये बिफोर, ये आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो रात के 12 बज चुके हैं और जो मेरा फोटोशॉप वाला बेसिक वाला सेक्शन था वो भी कंप्लीट हुआ। तो कल थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस करूंगा मैं इसकी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा एक नया सेक्शन इसका। तो यार इसमें 30 सेक्शन से भी ज़्यादा है और अभी मेरे कितने सिर्फ 4 सेक्शन हुए हैं यार, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। जो भी है, पर आज का दिन लपक प्रोडक्टिव था।